जैसे कि आपने देखा ही होगा, रेवती प्रीशा और द्राक्ष पालक करने की कोशिश करती। कोर्ट में रेवती वर्मा का मर्डर करने के लिए 10 साल की सजा सुनाती। तब रेवती कांस्टेबल की हेल्प से प्रीशा और रुद्र को मारने की कोशिश करती। कांस्टेबल रेवती के कहने पर अपनी बॉडी पर बॉम्ब लगा देता है। क्या रुद्र और प्रीशा रेवती की चाल समझ पाएंगे? वैसे सीरियल यही चाहते हैं आज। प्रीशा और द्राक्ष पुलिस से रेवती के बारे में पता चल जाता है, इसलिए प्रीशा और पुलिस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते। पर प्रीशा और द्राक्ष को उनका बच्चा नहीं मिलता। रेवती रुद्र और प्रीशा का एक्सीडेंट करवाने का प्लान करती, पर रेवती का प्लान फ्लॉप हो जाता है। प्रीशा और रुद्र कार एक्सीडेंट होने से पहले कार से कूद जाते। दूसरी तरफ जब रेवती का प्लान फेल हो जाता है, रेवती कांस्टेबल को रुद्र और प्रीशा को मारने के लिए ब्लैकमेल करती। कार एक्सीडेंट के बाद प्रीशा को रेवती पर शक हो जाता है कि रेवती बच्चे के बारे में झूठ बोल रही है। अब तो बस देखना तो यह होगा कि क्या प्रीशा और रुद्र रेवती से उनके बच्चे को वापस ले पाते या फिर कोई नया ट्विस्ट आएगा। क्या प्रीशा जान पाएगी रेवती ने उनसे झूठ कहा? जानिए सीरियल में सिर्फ स्टार प्लस पर।